वहीं बलिया से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, बीजेपी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है, पिता चंद्रशेखर के साथ काम करने का मौका मिला, आगे और क्या कुछ कहा सुनिए। 2024 का रण अब पूर्वांचल तक बढ़ चला है और पूर्वांचल में जब बात आती है तो यहाँ की बात जरूर आएगी राजनीतिक भविष्यवक्ता या कहें कि राजनीति के भविष्य को पहचानने वाले एक ऐसे शख्स की जो बात कहता है, समय बताता है, टाइम बताता है और बताता है कि किस कड़ी होगा, और जब हो जाता है तो खुद ही बुलाते हैं और कहते हैं कि देखा हो गई कि ना हो गई। जी हाँ, सही पहचान, हम बात कर रहे हैं प्रकाश राजभर जी की, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और राजभर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरविंद जी चुनाव लड़ रहे हैं। राजभर जी, एक एक बात जो आप कहते हैं ठीक आती है, चुनाव के लिए बताइए कि चुनाव में 80 का आधार 400 पार की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी। अखिलेश कहते हैं कि ये कोई हवा ही नहीं, यहाँ पे पूर्वांचल में आने पहले पश्चिम में ही आप लोग बोल गए हैं। देखिए, जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं वो बोल गए हैं, अपने काम से नारा दिए पीडीए का, उनको पीडीए के अगवा यश लिख लेना चाहिए, सैफई। पिछड़ों में सिर्फ सैफई है, पांच यादव सैफई से, और उत्तर प्रदेश में कोई यादव लीडर नहीं है, उसको टिकट क्यों नहीं दिया आपने? किस बात की चर्चा करते हो आप? खाली आपके परिवार को जिलाने के लिए, राजनीति सिखाने के लिए, राजनीति करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का यादव आपके साथ रहेगा? ये आप साबित कर रहे हैं ना? और पीडीए सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को भगाया, तलाक दिया। तीन बार बोला था एक ही बार? नहीं, उन्होंने तलाक का हम तीन बार कबूल कर लिए ना। दूसरी बार उन्होंने जैन चौधरी को भगाया, स्वामी प्रसाद मौर्य को भगाया, पल्लवी पटेल को भगाया, दारा चौहान जी को भगाया, ये सब तो पीडीए के हैं ना। तो वो कहते हैं कि आप सब लोग भाजपा में जाओ, भाजपा को जिताओ, आप लोग सट के करो, हम हट के करेंगे। तो कहते थे कि आप लोग को भेजा गया था और आप लोग एक रणनीतिक तहत ही सपा में आए थे, पर 2022 का मैं चुनाव याद है, उसके बाद जो उपचुनाव था धर्मेंद्र यादव के साथ लगातार आप थे, आपने सवाल भी उठाया था कि एसी से निकलिए बाहर आइए, अखिलेश जी आपका खुद की चुनावी सभा है। बिल्कुल सवाल उठाया था, और आज उनको एहसास हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर सही बोला था। अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा ना कि भाजपा वाले गर्मी में चुनाव करा रहे हैं। मतलब गर्मी लग रही है उनको, ऐसा उनका कहना था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में चुनाव जनता लड़ रही है मोदी जी के नाम पर, और हर पार्लियामेंट में यही हाल है पूरे देश में। मोदी जी ने काम किया है, काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, गरीबों के इलाज, गरीब जब कोई आप अस्पताल भर्ती होता था तो घर की रकम बिकती थी, सूती रुपया लेते थे या खेत रेहन, उससे निजात दिलाया, आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया, पहला काम किया। दूसरा काम किया किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपया किसानों में, जो पा रहा है वो खुश बम बम है। उसके बाद राशन जो पा रहा है वो बम बम है। उसके बाद जो आपके उज्ज्वला योजना वो बम बम है। महिला राजनीति में आरक्षण जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है, महिलाएं एकदम खुश हैं। भगवान राम का मंदिर बनने के बाद जनता से आवाज आ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। अब आगे चलिए, एक मिनट रुकूंगा। आपने चार चीजें गिनाई, दवाई, स्वास्थ्य, किसान निधि, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और राम मंदिर। मैं चार नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के इसी पे सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि आपका जवाब मुझे मालूम है कुछ ना कुछ दिशा और दशा तय करेगा। पहला, आपने कहा कि दवाई सस्ती कराई, अखिलेश यादव कहते हैं महंगाई इस चरम पे है कि अब जो दवाइयां होती उनकी एमजी बढ़ गई, 500 mg की दवाई खाते थे बुखार उतरता था, जब उन लोग सरकार थी अब 650 mg की दवाई खानी पड़ती है बुखार उतारने के लिए। बहुत सही है, 5 लाख रुपया मोदी जी क्यों दे रहे हैं, योगी जी भी दवाई के लिए पैसा दे रहे हैं, हम भी दवाई के लिए पैसा दे रहे हैं, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए। हम भी लगभग 18 करोड़ रुपया विवेकाधीन कोष से निकाल के अपने उत्तर प्रदेश में गरीबों को दिया। अखिलेश जी बता दें, MLA है ना,
कितना रुपया निकाल के दिया वो भी बता दें, उनके पास भी पावर है। 403 एमएलए के पास ये पावर है कि विवेकाधीन कोष से पैसा निकालकर प्रदेश में किसी गरीब किसी जाति का हो उसके इलाज के लिए पैसा वो दे सकता है। उसमें तो हम तो दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ क्यों नहीं दिया, ये बिल्कुल सवाल है, क्यों नहीं दिया? ओम प्रकाश राजभर इतना रुपया कैसे निकाल के दिया? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि 403 विधायकों में सबसे ज्यादा गरीबों के प्रति लगनशील मेहनत कस और ईमानदारी से सदन से विवेकाधीन कोष से पैसा निकालकर सबसे ज्यादा रुपया अगर कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने, मुख्यमंत्री ने कहा। कहाँ थे अखिलेश जी, उनकी पार्टी के विधायक कहाँ रहते हैं, सांसद कहाँ रहते हैं? ये काम है ना, वो खाली विरोध बतियाते हैं, हम काम करते हैं। मोदी जी का रुपया, योगी जी का रुपया और राजभर जी का रुपया निकाल निकाल करके हम लोग गरीबों को दे रहे हैं। परेशान अखिलेश जी है, वो ना हो अगर बीमार हो तो एस्टीमेट दे, हम पैसा दे दें, एस्टीमेट देंगे। दूसरा सवाल, आपने कहा कि किसान निधि 6,000 रुपए, राहुल गांधी आजकल जहां भी जा रहे हैं कह रहे हैं कि खटाखट 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 1 जुलाई से 8,500 रुपए आपके हमारे सबके अकाउंट में आने लगेंगे, किसी को बोला नहीं, हर महीने आएंगे। न नौमन गेहूँ हुई न राधे गमने जाइए। सही बात तो है, राहुल जी जान रहे हैं कि सरकार बननी नहीं है, पूरा देश मोदी में है, तो बचनम किम दरिद्रम। तो वो कोई मतलब उनके बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अभी चलिए यही हम महिला हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, हम उन्हें पूछवा दें या किसी गांव में चलिए पूछवा दें। राहुल जी को सीरियस लेते नहीं लेते? ना कोई नहीं लेता, जनता नहीं ले रही है, जनता नहीं ले रही है, हमको तो छोड़ दीजिए, जनता नहीं ले। अखिलेश जी को ये ज्ञान है नहीं है, 17 में कांग्रेस से गठबंधन किए, दोनों लोग मिलकर 54 विधानसभा जीते, और अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर से समझौता किए, 125 सीट जीते। तो उनको मालूम होना चाहिए कि ताकत कांग्रेस से ज्यादा ताकत ओम प्रकाश राजभर के पास है, जो इतनी सीटें हम लोग मिलकर के जीते और उनसे लड़ रहे हो तो समझ लो कितनी सीटें घटेंगी। तीसरा सवाल, आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और मुफ्त अनाज की बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत इसका इम्पैक्ट देखा गया था। प्रियंका गांधी का कहना है कि ये मुफ्त राशन की बात कांग्रेस सरकार लाई थी कि एक टाइम अनाज दिया जाएगा, उसी में अपनी फोटो चेप दी है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो तकलीफ कहे को है, वो कहे नहीं चपना है अपनी फोटो। उनकी सरकार थी तो उनको चपनाना चाहिए था, ज्ञान नहीं था नहीं चपना, इनको ज्ञान नहीं चपना रहे हैं। और उस सरकार में अनाज लूटा जा रहा था, बिचौलिया थे, बीच में लूटने वाले लोग थे, और मोदी जी के राज में वो सीधे लाभार्थी के खाते तक पहुंच रहा है, ये अंतर है। वो इस पे ध्यान उन्हीं के पिताजी का बयान है, मेरा नहीं, स्वर्गीय राजीव जी का ही बयान था कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो 15 पहुंचता है। क्या कभी उन्होंने खोजा कि आखिर उसमें 15 पहुंच रहा है तो ये 85 रुपया कहाँ जा रहा है? पूछना चाहिए ना, खोजना चाहिए ना, कभी उन्होंने खोजा? आज मोदी जी खोज रहे हैं, ईडी सीबीआई जा रही है, खोज रही रुपया कहाँ रखे हो, तभी लोग हो गए चिल्ला रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी सीबीआई तो वहां जाता है जहां विपक्ष होता है, उन्हीं पे खाली कर, जब अपने पे होता है तो स्लो प्रोसेसिंग होती है। आजकल केजरीवाल जी बाहर हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव है ये संविधान को बदल देगा, मोदी जी जीतेंगे पर प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे, प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश के योगी जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वो हटा दी जाएंगे, तो वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं केजरीवाल जी, उनकी भविष्यवाणी पे आपकी क्या राय है? भविष्यवक्ता हैं वो, हमारी तरह नेता हैं। देखिए उन लोगों को डर है, विपक्ष के सभी नेताओं को डर है कि अब हमारा संविधान खतरे में है, मतलब उनकी पार्टी का संविधान, उनकी पार्टी खतरे में है, वो खतरे में है। हाँ आप ये बाबा साहब के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी के संविधान की बात कर रहे हैं कि वो खतरे में है। अब भाई अगर 20% विधायक सांसद सदन में नहीं होंगे तो विपक्ष की मान्यता नहीं रहेगी, क्या करेंगे और क्या? अब देखिएगा ना लोकसभा 24 का चुनाव विपक्ष विहीन होगा। वार्ता करूंगा, एक और आपसे करना था कि जिस तरीके से बहन जी का था आकाश आनंद को, पहले उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया फिर उनको हटा दिया, अब वहां से सब पार्टी कर, इसमें भी अखिलेश और राहुल ने सभा की, उनका कहना था कि नहीं ये
डर के मारे बहन जी ने काम किया, क्योंकि पीएम मोदी ने उनको डर कर दिखाया, ईडी सीबीआई का डर दिखाया, तो उन्होंने अपनी रणनीति चेंज कर दी है। क्या हर चीज पे राजभर जी, हर चीज पे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना, योगी को टारगेट करना, एनडीए को टारगेट करना, ये सही है कि आप चुनाव मुद्दे पे लड़े, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? जिस दिन अखिलेश यादव जी और राहुल जी मोदी का नाम लेना बंद कर दें, उसी दिन इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर टिके हैं। हाँ, उतना मोदी आगे जाएंगे, अभी पीछे जाएंगे। आप बताइए, पीछे जाने का रिजल्ट देखिए, मोदी मोदी करते करते सीएम हुए, मोदी मोदी करने लगे एमपी हो गए, फिर मोदी मोदी करने लगे एमएलए हो गए। है ना? अच्छा, अखिलेश जी की बात करें। और क्या कर बात करते ही? और तीसरी एक चीज और थी राजभर जी, क्योंकि लगातार हम कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, चुनाव भी कर रहे हैं, राहुल जी भी लगातार उड़ रहे हैं, वो अपने आप ब्लॉग्स बनाते हैं, भेजते हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि मैं जिधर भी जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर से उड़ रहा हूँ, खेत खलिहान सब सभाएं के लिए मेरी भरी जा रही है, उत्तर प्रदेश में चमत्कार होगा इस बार, उत्तर प्रदेश में 70 के आसपास सीटें इंडी गठबंधन जीतने वाली है। राहुल जी तो ये कहते हैं और अखिलेश कहते हैं एक सीट जीतेंगे, एक सुरक्षित है, मेरे ख्याल से वो बनारस की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, अखिलेश जी जान रहे हैं कि 79 सीटें तो भाजपा जीत रही है, ये कहीं पे लड़ाई है। वही कन्नौज। अच्छा, हाँ, खुद की सीट पे लड़ाई बता रहे हैं या डिंपल की सीट पर, दोनों में से एक सीट पे लड़ाई है और 79 तो खत्म हो गई है, ये अखिलेश जी कह रहे हैं। देखिए अखिलेश जी शुद्ध रूप से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हट करके मदद कर रहे हैं। उदाहरण मध्य प्रदेश, भाजपा की सरकार बनाई ना उन्होंने, वही खुद कहे, हम नहीं कह रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है, जब हमको धोखा दिया तो फिर आपको धोखा देते, देर नहीं लगेगी। तो जो लोग देने वाले कांग्रेस के तो चले गए भाजपा में, एमपी का उदाहरण है। आप उत्तर प्रदेश आ जाइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी शुद्ध रूप से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, शुद्ध रूप से। हाँ, हम प्रमाण देंगे कि जैसे उन्होंने अपने चाचा को भेजा बीजेपी में, और सदन के अंदर योगी जी क्या कहते थे, चचू इधर से उधर चले गए हो, गलत जगह चले गए, अब आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। अरे मिल गया, वो हार जाएगा ना, तब आएंगे। अभी भी आपके अंदर है कि कॉन्फिडेंट है कि राजभर जी चाचा आएंगे? बिल्कुल आएंगे, कहाँ जाएंगे, उनका पार्टी है, उनके संगठन है, उनका भतीजा राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, तो उनका कौन वजूद मना, कौन वजूद बा, महासचिव कौन होगा था। वहाँ सब कुछ अखिलेश यादव, चाचा बहुत अंदर अंदर सुलग रहे हैं, जल रहे हैं कि किसी तरह निजात मिल जाए यहाँ से, बाकी होगा। राम मंदिर का आपने जिक्र किया कि राम मंदिर का जिक्र ना करें तो उन लोग के पेट नहीं कर सकते, राम मंदिर को लेके तमाम विपक्षी दल के वो थे एमएलए, दर्शन करने नहीं भेजा उन्होंने, सापरवार जाएंगे, अभी तक गए नहीं है ना राहुल जी, अयोध्या में रैली भी की पर दर्शन नहीं किए राम मंदिर के, तमाम हम लोग ने आपकी तस्वीर देखी थी, आप थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, अभय सिंह, मनोज पांडे और आपके साथ सब आए थे, देखना था क्या राम मंदिर का विरोध कहीं ना कहीं इनको इस चुनाव में डेंट पड़ेगा, जितना बीजेपी को प्रॉफिट हो सकता है क्या उतना ही डेंट होगा ना जाना इनको चुनाव में? चुनाव के पहले ही आपने देखा कि समाजवादी पार्टी को इतना उसका आघात पहुंचा कि उनके दर्जनों विधायक, टॉप लीडर खुद बीजेपी ज्वाइन कर लिए, चुनाव के पहले की बात। भगवान राम के दर्शन में न जाना उनके लिए घातक, उसी समय उनकी पार्टी में दो फाट हो गया, दो गोल बन गई, आपस में लड़ने लगे, तो छोड़ करके कुल इधर ले आई, तो नुकसान हुआ ना, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान देखिए, हवा के विपरीत चलना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, डालियां टूट जाती हैं, तो ये काकाओं ने खेत का मूली हैं, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। सबसे ज्यादा धार्मिक, भगवान राम को मानने वाले, कृष्ण जी को मानने वाले
तो यादव जी लोग हैं, कहते कि हम लोग के वंश है यदुवंशी। मंदिर बना, वो कह रहे हैं हमने मंदिर बनवा रहे हैं अपने इटावा सिपाही में मंदिर बना रहे हैं, उसकी आप देखिएगा और प्रभु राम का देखिएगा कोई सही मंदिर नहीं बना। देखिए उस सिपाही के अलावा बलिया बना देंगे फिर, उनका फिर सिपाही आ गया। भाई जब वो सरकार में थे तो 24 घंटा बिजली सिपाही, सरकार में नहीं है तो देश के प्रदेश के खजाने का पैसा जो उनके खाते में गया है उसी पैसे से ना मंदिर बनवाएंगे। कौन नौकरी करते हैं, कहीं तनख्वाह पाते हैं, कौन ठीका पट्टा करते हैं, कहाँ से रुपया आएगा? वो रुपया प्रदेश की जनता का है और वो पैसा ले जाके सिपाही में फिर मंदिर बना के और सीना ठोकेंगे। अगर दम है तो वही मंदिर बलिया बनाओ, गाजीपुर बनाओ, बनारस छोड़ दो, बनारस आपको अप्रिय लगता हो मऊ बना लो, आजमगढ़ बना लो। आप कहते हो मेरा गढ़ है, सिपाही के बजाय आजमगढ़ बना लो, लेकिन यहाँ नहीं बनाओगे। इतने दिन आप सांसद थे, मंदिर तो नहीं बना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ महाराजा सुहेल देव जी की यूनिवर्सिटी बनवा दिया भाई, इलेक्शन जीत के बनवा दिया आप 2.5 साल के अंदर। आप क्या किए, एक काम बता दें किए हूं? ये खाली वोट लेते हैं सब, आजमगढ़ आएंगे तो कहें हमारा गढ़ है, है यादव भाइयों वोट दे दो, है पिछड़े वोट दे दो, दलितों मुसलमानों वोट दे दो। अरे मुसलमान उनका गुलाम, 28% आजादी के बाद 38% नौकरियों में था, आज 1% नहीं है। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी नहीं। बीजेपी ने तो वो काम किया कि जो काम कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, वो काम मोदी जी योगी जी के राज में आईएएस का कंपटीशन पास किए हैं 51 मुस्लिम बच्चे, पहली बार कि मुसलमानों के बेटे भी आईएएस बनने लगे मोदी जी के राज में, एक कांग्रेस सपा के राज में नहीं हुआ। वो काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के राज में हर धर्म के, मुसलमान ही नहीं, हर धर्म मजहब के लोग, हर जाति के लोग, जो अच्छी प्रतिभाएं हैं, मोदी जी योगी जी की सोच है कि जो एनडीए गठबंधन की सोच है कि जो अच्छी प्रतिभाएं हैं वो आगे आए। उसी तरह मुसलमानों के बच्चे जो आए हैं, ये मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सपा बसपा कांग्रेस के भी, इनको भी सबक है कि देखो एक मोदी जी हैं, मुसलमानों के बच्चे उसमें पास किए आईएएस, कल इंजीनियर बनेंगे, पास करेंगे, कल डॉक्टर बनेंगे, परसों मास्टर बनेंगे। ये लोग क्या किए, खाली नफरत नफरत। हम लोग भाईचारा मिलत, 140 करोड़ देश में, 25 करोड़ आबादी में खुशहाली चाहते हैं, हम लोग वो काम कर रहे हैं। आई सफाई झूठा चिल्लाते वीरेंद्र प्रजापति के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, बलिया।